हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदयवीर और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गार्टर सिल्ली की छत तैयार करने का तरीका। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मकान पर गार्टर सिल्ली डल रही है। तो इसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये 2x1.5 की दोस्तों सिल्ली है। अच्छी तरीके से इनकी सेटिंग करनी है आपको। गार्टर दोस्तों पहले से ही सेट कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपको सही से बना लेने हैं। अच्छी तरीके से अगर सेटिंग इनकी होगी तो आगे चल के दोस्तों आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिल्ली गार्टर जो हमारे होते हैं दोस्तों, इनका साइज 2x2 का और 2x1.5 का, 2x2.5 का, इस तरीके का होता है। जैसे भी आपको आसानी लगे उस तरीके से आपको गार्टर सिल्ली लेकर और सेटिंग बनाएं। इस तरह सेटिंग करने के बाद दोस्तों इनके ऊपर फिर से जो इनमें दर्ज है वो सीमेंट की सहायता से इन्हें भर लेना है अच्छी तरीके से। जैसे कि देख रहे हैं कोई भी दर्ज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद आपको गारा बनाना है और गारा बनाकर जो सिल्ली हमारी ऊपर है उस पर पानी लगाना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारा इनके ऊपर वो गारा अच्छे से फैल सके, तो कहीं से भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। अब हम आपको गारा गिराकर इसे दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी सिल्ली के ऊपर लगा रखा है और इसके ऊपर गारा हाथ से हम फिरा रहे हैं। आप दोस्तों इसे करने की सहायता से भी फिरा सकते हैं। हाथ से फिराने का थोड़ा जल्दी होता है काम, तो इस वजह से ये हाथ से हमारे मिस्त्री भाई इसे लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से गारे को ढीला गारा बनाना है। और दोस्तों गारा जो मिट्टी का बनेगा उस मिट्टी में आपके रोड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर उस मिट्टी में रोड़ी होगी तो इसके ऊपर दोस्तों किन्नी डलती है, तो उसे फटने का बहुत डर रहता है। अगर कोई आपके गारे में कंकर निकले तो उसे बाहर आपको निकाल के भेजनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कहीं से भी जगह ना छूटे, सारे सिल्ली जो छत है उसके गारा फिर जाना चाहिए। उसके बाद का कार्य क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद जब सारी छत पर फिर जाए, उसके बाद दोस्तों पिन्नी लेनी है और पिन्नी दोस्तों मजबूत होनी चाहिए। हल्की पिन्नी अगर लोगे तो उसका फटने का डर रहता है। तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी की अगर पिन्नी लोगे आप तो आपकी छत मजबूत बनेगी और पानी कहीं से लीकेज नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं सारी छत पर पिन्नी को अच्छी तरीके से फैला लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं से भी ये इसमें सलवट होती है, इन्हें इस तरीके से आपको करके खोल लेना है, ताकि पिन्नी हर जगह अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद दोस्तों रद्दा लगाना है, चारों तरफ आपको रद्दा लगाना है सही से करके, ताकि पिन्नी जो आसार हैं वो चारों तरफ से दब जाए और अच्छी तरीके से आपको मसाला सीमेंट की सहायता से लगाना है। जितने भी आसार हैं आपके चारों तरफ का गद्दा घुमाकर कहीं से भी आपको टूटना नहीं चाहिए रद्दा। उसके बाद दोस्तों पिन्नी पर लेवल में आपको मिट्टी फैला लेनी है। दोस्तों फिर से वही ध्यान रखना है कि जो मिट्टी डल रही है उसमें रोड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिन्नी फटने का डर है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से आपको मिट्टी डाल लेनी है और इसका दोस्तों लेवल ऊपर से बनेगा। ये आप देख सकते हैं जो रोड़ी है वो करने की सहायता से उसे तोड़नी है और इस तरीके से एक सार करनी है। तो पूरे छत पे दोस्तों आपको मिट्टी डालनी है और इसका लेवल निकालना।
उसके बाद दोस्तों फंटी की सहायता से जो आप देख रहे हैं इस तरीके से फंटी लगानी है और इसका लेबल बनाना है दोस्तों। सही से दोस्तों लेबल बनेगा तो हमारा जो छत का ढाल होगा उसका पानी का लेबल बरसात के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। और फिर इस तरीके से आपको इसमें गुस्सा हो आपके पास गुस्सा नहीं तो लकोरी ईंट है ये बिछा लेनी है और इन पे नीरू आपको ऊपर से लगा लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों गुलाई करनी है, मसाला दोस्तों एक टीन का बना करके इसमें गुलाई करनी है ढीले मसाले से, जैसा कि आप देख रहे हैं एक तख्ता पट्टा या अपनी फंटी की सहायता से इस तरीके से आपको गुलाई करनी है। जो दरज है दोस्तों वह छूटनी नहीं चाहिए। ये दोस्तों हमने जो लकोरी ईंट पुरानी जमाने की ईंट होती है उनका इस्तेमाल किया है। आप जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार इसके गुस्सा भी लगा सकते हैं तो ये कम खर्च में पड़ेगा आपको दोस्तों। तो इस तरीके से लेवल बना करके ये लगा रखा है तो आपको दोस्तों गुलाई अच्छी तरीके से इसमें करनी है, कहीं से भी जगह टूटनी नहीं चाहिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ढीला मसाले का उपयोग करना है दोस्तों, इसमें डस्ट का यूज़ किया गया है। आप इसमें सैंड रेत जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें, उससे कमजोरी हो जाएगी, तो आप जो है डस्ट का इस्तेमाल करें अच्छी तरीके से। मसाला इसमें एक टीन का लगाए, अब गुलाई होने के बाद ऊपर से फिर से मसाला इस पर डाला जा रहा है ताकि इसका अच्छी तरीके से लेवल बनकर फिनिश दोस्तों हमें इसकी करनी है। तो मसाला इस तरह सारे में डाल चुके हैं ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर का काम फिर से दोबारा से इसके दोस्तों फंटी लगानी है, आपको लेबल बनाना है और जो फालतू मसाला है उसकी कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से आपको फंटी की सहायता से लेबल बनाना है दोस्तों सही तरीके से, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको फंटी की सहायता से लेबल इसका निकालना है और फंटी अच्छी तरीके से लगानी है, ये आप देख सकते हैं फंटी अच्छी तरीके से लगेगी तो हमारा जो पानी का ढलान जो होगा दोस्तों वो अच्छी तरीके से होगा और छत पर पानी नहीं रुकेगा। तो ये देख सकते हैं फंटी सही तरीके से लगाने का यही मतलब है कि पानी छत पर नहीं रुकना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा काम होगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास समय है या छत आपकी सूख रही है तो दोस्तों घोला बनाकर भी मार सकते हैं। हमारे छत में गिल्लापन है ये आप देख सकते हैं, तो इस पर सूखा सीमेंट हमारे मिस्त्री भाई लगा देंगे, तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है क्योंकि अगर इस पर घोला लगता तो इस पर काफ़ी समय हमें रुकना पड़ता, तो थोड़ा जल्दी है समय का अभाव है इस वजह से इस पर सूखा सीमेंट दोस्तों डाला जा रहा है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसकी फिनिश निकाल कर दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं सूखा सीमेंट कट्टे से निकाल कर तसले में ले करके और वो इस तरीके से लगाया जाए दोस्तों कि कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको छत गाटर सिल्ली भी दोस्तों बनानी है, काफ़ी मजबूत दोस्तों रहेगी, ये आप देख सकते हैं सारी छत पर इसी तरीके से सीमेंट का घोला लगाना। उसके बाद दोस्तों कुछ देर रुक कर के और आपको ये गिरिमाले की सहायता से इसकी फिनिश निकाल लेनी है, ये आप देख सकते हैं हमारे मिस्त्री भाई फिनिश निकाल रहे हैं। इससे फ़ायदा होगा कहीं भी आपके पानी दोस्तों छत पर नहीं रुकेगा, तो अच्छी तरीके से आपको गिरिमाला चलाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं अब हमारा काम दोस्तों करीब पूरा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको गिरिमाला की सहायता से अच्छी तरीके से फिनिश निकाल लेनी है, ये देख सकते हैं हमारी फिनिश निकल चुकी है।
ये देखिए, तो इस तरीके से आपको गाटर सिल्ली की छत बनानी है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, फिनिश अच्छी तरीके से निकल गई है। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर छत बनी है दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से काम करके और अपनी गाटर सिल्ली की छत को मजबूत और पानी से बचाव के लिए सही से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये गाटर सिल्ली की छत है दोस्तों। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको